इंडिया विल हैव नो प्रॉब्लम इन सप्लाइंग एम्युनिशन आर्म्स, जितना अमेरिका को चीजें चाहिए वो सप्लाई करेगा, बेसिस भी देगा चाइना के खिलाफ, ना थोड़ी कहेगा, थोड़े एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वेपन दे सकते हैं वो अमेरिका को। और लीडर बना के आप और मेरे ऊपर थोपे गए, वो उनकी वजह से हुआ भट्ट साहब, या नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते जड़ी पलीरी लगी सी इस तत्रे च, और हुआ क्या कि कर्जा तो को हमारा जितना हो गया, ऐसा से सारे बिक गए और रेवेन्यू कोई नहीं है कर्जे के लिए, हम इधर फिर का राइज अमेरिका के राइज के लिए खतरा तो हो गई, बट पॉइंट ये है कि या ये खतरा उतना बड़ा खतरा है जो कि चाइना और रशिया का अगर नेक्सस बन जाता है उससे भी बड़ा। माइक मिली इंडिया को उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है और फॉर मेंटेनिंग इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और उनकी इंडिया इज वेरी कैपेबल मिलिट्री है उनकी, और हम उनके साथ डीपन करना चाहते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन। इंडिया और जो अमेरिका है दे हैव यूनाइटेड अगेंस्ट चाइनाज मिलिट्री थ्रेट, ये ऑड बेड फेलोज हैं। ये ऑड बेड फेलो से क्या मुराद है, क्यों अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं या जो लोग लिखने वाले हैं वो इंडिया यूएस के रिलेशन को ऑड बैड फेलोज, पहले वो पाकिस्तान के बारे में कहते थे दिस इज़ अ बैड मैरिज, ठीक है, अभी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया ऑड बैड फेलोज, तो इंडिया और यूएस का, सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? बिकॉज सिमेट्री नहीं है इन द अप्रोच। दुनिया के मेरी नज़र में टॉप थ्री पावर्स टूडे आर यूएस, चाइना, इंडिया। तो आप सोचिए अमेरिका के तरफ से इफ नंबर थ्री इज विद देम, तो टू का तो कोई चांस ही नहीं है ना अगेंस्ट वन एंड थ्री कंबाइंड, राइट? इट हैज नो चांस। और फिर उसके बाद अगर इंडिया, एज लॉन्ग एज इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल और रिमेन्स विद द यूएस, यूएस हैज अ ह्यूज एडवांटेज ओवर चाइना, फिर वो कहां जाएगी? तो ये जो चाइना सोच रहा है वो अमेरिका से लड़ेगा, वो अमेरिका से थोड़ी लड़ेगा, वो सारी दुनिया से लड़ेगा। It will have to fight India, Japan. India will have no hesitancy. Agar India lada bhi nahi na China ke khilaaf, India will have no problem in supplying ammunition, arms. Jitna America ko cheezein chahiye wo supply karega, bases bhi dega China ke khilaaf, na thodi kahega. Ye aur baat hai, it will not fight it, but it will support. It will be like NATO, jis tarah Ukraine ko help kar raha hai. उस तरह ये सारे मुल्क अमेरिका के साथ हो जाएंगे, पूरा का पूरा वेस्ट। अगर नेटो शामिल नहीं भी हुआ तो क्या वेस्टर्न मुमालिक नहीं हेल्प करेंगे? मतलब आर्टिकल 5 तो ट्रिगर हो जाएगा ना, जैसा चाइना किसी भी हमला करता है किसी भी जगह पर अमेरिका के बेस वेस पर, इट विल आल्सो ट्रिगर द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रांस भी आ जाएगा, बर्तानिया भी आ जाएगा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वो थोड़े एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वेपन दे सकते हैं वो अमेरिका को। So it's not an easy thing for China. Agar aap samajh rahe hain, China is not going to fight just the US. China will fight the top 20-30 economies in the world other than itself. बात आई तो उस वक्त इंडिया ने अपनी की, हालांकि अमेरिका और रशिया का सबको मालूम है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और चाइना को किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है थोड़ी टेंशन क्रिएट करने के लिए इंडिया में? देखिए तो रियल पॉलिटिक है, हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई कि हमारे लिए अपना इंटरेस्ट छोड़ दो, और वो क्यों छोड़े भाई, डॉलर का राज था इंटरनेशनल ट्रेड पे। कोई भी कंट्री, अगर इंडिया ही अमेरिका, हम ही अगर अमेरिका की जगह होते तो हम भी उसको जाने नहीं देते। अब इंडिया जो है धीरे धीरे, पहले उसने देखिए मास्टर कार्ड वीजा कार्ड की मोनोपोली, मोदी जी ने बहुत से ऐसे काम किए जो नॉर्मल पब्लिक के गेज में नहीं आते, लेकिन मोदी जी ने एक कार्ड हमारे यहाँ इशू किया, उसको कहते हैं रुपे कार्ड। यानी पहले हमारे यहाँ जो एटीएम कार्ड होता था या तो वो वीजा होता था और या तो वो मास्टर कार्ड होता था, सारा कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड के पास जाता था। सो मोदी जी ने आके इसको चेंज किया एंड ही अनाउंस्ड रुपे कार्ड। उस समय भी ये वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड ने बड़ा हो अल्लाह मचाया था कि ये कैसे हो रहा है हमारे लिए, ये ठीक नहीं है। उसी तरीके से स्पेस एक्स जो कि एलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी है उसमें स्पेस की, उसने भी कहा था कि इसरो जितना सब्सिडी देता है वो सब्सिडी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बिल्कुल इंडिया का राइज अमेरिका के राइज के लिए खतरा तो हो गई, बट पॉइंट ये है कि या ये खतरा उतना बड़ा खतरा है जो कि चाइना और रशिया का अगर नेक्सस बन जाता है उससे भी बड़ा है।
भाई ये बात तो श्योर है कि अमेरिकन इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना ही करना ये इनएविटेबल है। ये आज नहीं, आज से एक आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के चीफ हुआ करते थे वोल्फगैंग साहब, वो जो है एक बार स्टैनफोर्ड को एक स्पीच दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप सही आदमी हो तो इस समय आज से 10 साल पहले कि आपका इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अब इंडिया में होना चाहिए, बिकॉज कि आने वाले 20 साल में जो वेल्थ जनरेटर होगा वो इंडिया और चाइना होगा और ना कि यूरोप होगा। यूरोप विल रिमेन रिच बट इट विल नॉट बी अ वेल्थ जनरेटर। सो ये एक जिसे कह लीजिए इनएविटेबल चीज है, उसको होना है। अब अमेरिका को ये थ्योरी कि अमेरिका सब हमें अपना इंटरेस्ट दे दे, हमें वीक ना करे, भाई ये रियल पॉलिटिक्स में चलता है कि वो भी तो ये नहीं चाहेंगे ना। इंडिया ने उनको गारंटी दी है कि वो हमेशा से चाइना के अगेंस्ट में उनके साथ रहेंगे। क्या इंडिया ने उनको गारंटी दी है कि वो रशिया के अगेंस्ट में एक ट्रस्टेड वो एलाई होंगे? इंडिया ने तो उनको दिखा दिया भाई, वो इतना ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, या उनकी जो कॉड एक्सपेक्टेशन थी कि हमने S-400 खरीदा, उन्होंने हमें काटसा से जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट करके जो उनका काटसा है उस पर उन्होंने हमें रिलीफ दिया, हमने S-400 खरीदा। जब रशिया ने वॉर किया वेस्टर्न सैंक्शन के अगेंस्ट में, हम खड़े हो गए। तो भाई उनको भी तो ये है ना, हम भी तो उनको लगातार डिच देते जा रहे हैं ना कि भाई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, कि जिस तरीके की रिलेशनशिप वो हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हम जैसा प्ले करेंगे वो नहीं कर रहे, वो हम नहीं कर रहे। जैसे अगर जरा सा और मौका मिले तो हम तो ईरान से भी तेल लेंगे, जो कि हम पहले भी लेते रहे हैं। तो अमेरिका इज होपिंग कि जो चाइना इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं उससे चिढ़कर या उससे डर कर चाइना माइट टेक अ स्टेप व्हिच विल मेक इंडिया परमानेंटली पार्ट ऑफ द यूएस अलायंस। गलवान की जो हरकत थी इट वाज डिजाइन्ड टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम कमिंग क्लोजर टू द क्वाड, इट हैड द ऑपोजिट इफेक्ट। डोकलाम जो हुआ था याद है 2017 का जो नेपाल के बॉर्डर पर, वहां से फिर इंडिया ने क्वाड को जिंदा कर दिया ना, 2x2 ये वो शुरू हो गए सारे मीटिंग्स। तो अगर चाइना का मकसद था टू गेट एग्रेसिव ऑन इंडिया बॉर्डर बाय ट्राइंग टू से तुम उधर दोस्ती क्या कर रहे हो, जीना तो मरना तो तुमको यहां पर है मेरे बाजू, राइट? वी आर जेन्युइनली बेड फेलोज, स्ट्रेंज बेड फेलोज तो इंडिया चाइना है, दे हैव सो मच शेयर्ड बॉर्डर। सो आई थिंक कि चाइना का जो एग्रेशन था डोकलाम में फिर बाद में गलवान में was to send the message that don't become too pally with the US, but it has backfired on them. Basically, jitne bhi alliances paida kare, network of, ye cheez Russia, China wagara ko samajh mein nahi aayi ki America mein one of the biggest force multiplier is alliances. तो डॉक्टर साहब ये फिर मैं समझ लूं कि जो कोल्ड वॉर के जमाने में द अमेरिकन्स वांटेड दैट दे शुड बी रीजनल अलायंसेस सो दैट द कम्युनिज्म डजंट क्रीप इन, जैसे हम उस जो सीटो सेंटो और उन्होंने कहा इनकरेज किया, यूएन चार्टर भी इनकरेज करता है कि आप छोटे छोटे रीजनल फोरम्स बनाएं, लेकिन ये एक नई ये उससे भी छोटे छोटे फोरम्स हैं। पहले तो ठीक है 10 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अरब लीग बन गई, फला बन गया, हमने सार्क बना लिया यहाँ पे, तो अभी तो उससे भी छोटे छोटे चार चार के ग्रुप बना रहे हैं। बट दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कोलिशन ऑफ द विलिंग ना, सो जो जो जहां भी बेसिकली दे आर नॉट सेइंग नो, जो भी दो तीन मुल्क आके कह रहे हैं चलो अपन क्रिकेट खेलते हैं तो बिल्कुल चलो लेट्स गो, वैसी बात हो गई। अमेरिका इज नॉट सेइंग नो टू एनीबॉडी एंड इट इज एबल टू, उनको जो जो चीजें चाहिए वो तो मिल रही है, बेस चाहिए बेसिस मिल रहे हैं। आपकी याद है गल्फ वॉर वन की जो बात है उसमें तकरीबन जो खर्चे आए थे कुछ $100 बिलियन के करीब, 200 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन तो सऊदी अरब से आ गए थे, फिर 14-15 बिलियन जापान और जर्मनी से। तो अमेरिका के लिए वो जंग फुकट में पड़ी थी, वो गल्फ वॉर वन की बात कर रहा हूँ। सो देयर द अलायंस कम इन नॉट टू हैव पार्टनर्स और लीडर बना के आप और मेरे ऊपर थोपे गए, वो उनकी वजह से हुआ भट्ट साहब, या नहीं मानते आप नहीं मानते जड़ी पलीरी लगी सी इस तत्रे च। ये मुल्क को मजाक बना दिया इन्होंने, अखाड़ा बना दिया इस मुल्क को, बेआईन कर दिया पाकिस्तान को, अदालतों की रसवाई करना, उन पर चढ़ाई करना, उन पर हमले करना इन्होंने मामूल बना लिया है। तो अदारों को भी अब चाहिए अपने इज्जत और वकार के लिए अपनी गैर जानबदारी साबित करे, और जो उन्होंने ओथ लिया हुआ मुल्क से वफादारी का, अवाम की जानो माल कुछ करने पर, उस पर अमल दरामद कराए। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी हुई है,
40% से ज्यादा महंगाई हो गई है, कूपत खरीद पाकिस्तान में रही नहीं, आपके जो सारी उम्र के इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, खुदा के लिए ये चंद लुटेरे मुल्क से भाग जाएंगे। अच्छा बट्टी साहब, वो जो 20 अरब की अपना आटे में हुई थी गड़बड़, और खुद खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से बयान दिया था, तो उस पर भी सुना नैब काम करेगा, मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं, कोई ऐसा होने वाला है काम भट्टी साहब? नहीं, इस नैब को भी खत्म होना है इस मुल्क में, अब ये खत्म हो रहा है। कादी साहब आपको याद होगा, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब हमें मिले और कुछ लोग थे, अब जिस निगरान शख्स का आ रहा ना, ये वाकया उन्होंने सुनाया था कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने चाह रहे, तो इन्हीं साहब ने मुबैना तौर पर उन्हें कहा साढ़ा हिस्सा लाओ। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।